नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। 1625 पदों की टोटल वैकेंसी आई है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सैलरी मिलेगी, क्या एज क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इन सब के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। कहां से और कैसे और कब तक आवेदन करना है। आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है 11 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक के बीच में आपको इसके लिए आवेदन जरूर करना होगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इन सबकी नोटिफिकेशन अपडेट पे। लेकिन उससे पहले, जो भी छात्र यहाँ पर बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करता है, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, तो आज ही इसको सब्सक्रिप्शन लें, आज ही सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर कर लीजिएगा और BPSC गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक रेफरल कोड यहाँ पे आपको दे रहे हैं जितेंद्र 10, जहाँ पे किसी भी कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा, तो आप इसे जरूर अटेंड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे किसी भी मंथ के लिए आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने। मैं कहूँगा यहाँ पे आपको कि 12 मंथ के लिए ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ताकि किसी भी एग्जाम की तैयारी में 12 महीने एटलीस्ट बिहार सरकार दे ही देती है, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह लेने का फायदा भी जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। इनफैक्ट यही नहीं, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको T20 टेस्ट भी लिया जा रहा है, जो कि 3 अप्रैल को दोपहर 2 बजे लिया जाएगा हिंदी के लिए। वही हिंदी और GS पेपर के लिए आपका यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट होगा, जो कि 17 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल तक होगा। जो भी छात्र यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 2 बजे की क्लास जरूर अटेंड करेंगे। यही नहीं, बिहार में अगर बिहार BPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो BPSC में बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जिसमें कि आपको 26 अप्रैल को अभिमन्यु सर के द्वारा 8 को शाम को 8 बजे बिहार स्पेशल सीरीज भी कराया जाएगा। बिहारी जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टेस्ट है, ये आपको 9 अप्रैल को होगा दोपहर 12 बजे DK चौधरी सर के यहाँ पे साथ आप लोग इस टेस्ट को कर सकते हैं। बिहार में CDPU का भी एग्जाम है, जो कि 15 मई को इसका डेट निर्धारित है, तो इसके फुल मॉक टेस्ट लगाइए अनअकैडमी पे जुड़कर। यह टेस्ट का टाइम आपको 10 अप्रैल को से 6 से शाम को 8 बजे तक होगा। 150 प्रश्नों का ये MCQ है, तो यहाँ पे आप लोग अटेंड करना ना भूलें। प्लस फीचर कोर्सेज में आइए, यहाँ पे आपको BT के साथ साथ मेंस की परीक्षाओं की तैयारी में भी आपके सहयोगी होंगे अनअकैडमी के, वो सारे बेस्ट एजुकेटर जो कि अनअकैडमी पे आपको एजुकेट करेंगे। ये हैं वो टॉप एजुकेटर जिसके साथ आप मिलकर यहाँ पे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी करें, जल्दी, देर ना करें, सब्सक्रिप्शन लें यहाँ से आप अपने, या मंथ वाइज या ईयरली लीजिएगा, तो आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे आपकी परीक्षाओं को लेकर। तो दिस इज योर अनअकैडमी, आज ही जुड़े यहाँ पे अनअकैडमी के साथ। चलिए अब मैं सीधे लिए चलता हूँ दोस्तों आपको ECIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग सकते हैं आज ही। तो ये है ECIL का नोटिफिकेशन दोस्तों, जो कि आज जारी किया गया है, और 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक आप इसके लिए फॉर्म भी भर सकते हैं दोस्तों। ECIL जो है ये आपके CPSE अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत, यानी कि ये जो है भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से अपडेट किया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। और यहाँ से जो वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों, ये जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट हैं, जिसके लिए कि आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले 10th पास तो होना ही चाहिए आपका, साथ में आपको इन तीनों ट्रेड में अप्रेंटिसशिप, यानी सॉरी माफ करेंगे, ITI होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इलेक्ट्रिशियन में और फिटर में, इन तीनों में से। यहाँ पे वैकेंसीज का अपडेट भी दिया गया है, टोटल 1625 पदों की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। और सैलरी की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो देखिए सैलरी इंक्रीमेंट होता है आपका पर ईयर यहाँ पे, तो 20,480 के साथ आपकी शुरुआत होगी। साथ में आपको मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी PF, PA, DA सब अवेलेबल होगा, जो कि आपकी सैलरी को कम से कम यहाँ पे 28,000 से 30,000 तक की सैलरी इंक्रीमेंट दे सकती है। वहीं सेकेंड ईयर में इसका स्केल बढ़ा दिया जाएगा, थर्ड ईयर में भी इसका स्केल बढ़ा दिया जाएगा, और साथ में आपको फैसिलिटीज भी जरूर दी जाएगी। तो ये है दोस्तों यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन, सैलरी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो अब यहाँ पे जो ट्रेड है, इन ट्रेड्स के लिए आप SC ST कैटेगरी, OBC, UR या EWS कैटेगरी से हैं, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट भी आपको मेंशन किया गया है। जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है,
यानी कि संविदा के आधार पे आपको ये नौकरी दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए दोस्तों, 10th के बाद यहाँ पे आपका ITI होना चाहिए कम से कम 2 साल का इन सभी ट्रेड्स में। आप देख सकते हैं जो कि मैंने ट्रेड्स का नाम यहाँ भी आपको बता रखा है। साथ में आपको दोस्तों अगर यहाँ पे फायदा जरूर मिलेगा, इन एडिशनल 1 ईयर अप्रेंटिसशिप जो कि NSE इशू करेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, मैंडेटरी है आपके लिए ये करना यहाँ पे NSE से, और तभी ये जॉब आप कर पाएंगे। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी और मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में विल बी एडेड एडवांटेज, यानी कि आपको उसका फायदा मिल सकता है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट एनी ECIL ऑफिसेज, यानी कि आपको इंडिया भर में कहीं भी जॉब करने को मिल सकता है। ऑल इंडिया जॉब लोकेशन है जहाँ जहाँ ECIL का या कंपनी यहाँ पे है, और वहाँ पे आपको कस्टमर साइट पे भी भेजा जाएगा राउंड 2 क्लॉक शिफ्ट ऑपरेशन, यानी कि 24 घंटे में कभी भी आपको किसी भी शिफ्ट में नौकरी करनी पड़ सकती है, तो बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा अगर आप इसके लिए रिक्रूट होते हैं तो। तो रिजर्वेशन का फायदा भी यहाँ पे मिलेगा, जो कैटेगरी में छात्र आते हैं आप यहाँ से जरूर चेक कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई ना तो एग्जाम होगा ना ही आपसे कोई फीस लिया जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपके मेरिट पे होगा, यानी कि 10th और ITI के सिलेक्शन प्रोसीजर पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका ITI का जो स्कोर कार्ड होगा उसमें 1:4 रेशियो के कंपेयर करके यहाँ पे आपका रिक्रूट किया जाएगा, और कैंडिडेट विद द हायर मार्क्स ऑफ द क्लास 10, आपके पास जिसके पास भी हायर क्वालिफिकेशन होगा 10th क्लास का उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। तो उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, और ये कॉल आपको हैदराबाद ECIL की तरफ से मेल आएगा। ओके, कोई भी फ्रॉड मेल से बचिएगा। आप लोग अगर ऐसा कोई फ्रॉड मिल जाता है और पैसे कहीं भी मांगेंगे आपसे तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। मैं आपको थोड़ा सा सूचनार्थ देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति में आपको लोग मेल करते हैं, आपसे पैसे भी मांगते हैं कि हम आपकी जॉब पक्की कर देंगे, हम HR बोल रहे हैं, हम PA बोल रहे हैं, तो इस तरह से आप उनके बातों में ना आएंगे। कोई फीस कोई डोनेशन नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपके मेरिट के आधार पे होगी। कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से ओपन कर रखा है, और ये जो सेक्शन है आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं सीधे, जी हाँ, आप इसके ऑफिशियल अप्लाई करने वाले सेक्शन पे। तो आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आप आके जो है यहाँ से क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से आप सीधे इसके लिए एलिजिबल होंगे। और ये सारा डिटेल आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डिटेल जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे भरना है फॉर्म को, प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन भरने का, तो आप उसको चेक कीजिएगा। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको, जैसे सर्वर यहाँ पे डाउन हो रहा है, बट यहाँ से क्लिक करते ही आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में आपको भरना है फॉर्म को। देखिए टाइमिंग के अनुसार चल रहा है, तो आप जो है ना सुबह के 2 बजे के आसपास फॉर्म भर लीजिएगा, जो कि 1 तारीख से लेकर यहाँ पे 11 अप्रैल तक का है, ठीक है, सुबह के टाइम भरिएगा। अभी रात में थोड़ा सर्वर यहाँ पे लग रहा है डाउन है इसका, इसलिए ओपन हो नहीं रहा है। और यहाँ से क्लिक करिएगा सीधे, आपको ये बोलेगा कि आपको कौन से पोस्ट के लिए भरना है, मैकेनिक के लिए भरना है, फिटर के लिए भरना है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भरना है, किसके लिए भरना है, ये आपको यहाँ से पूछा जाएगा, और आप उसके लिए क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है यहाँ से फॉर्म को भरने का, यहाँ से चेक कर लीजिएगा, 11 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ये कुछ कंडीशंस हैं, देखिएगा ये डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, और कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे इस जॉब को लेकर जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अपने जॉब इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी डाउट आपका नहीं होगा इसको लेकर कि कैसे फॉर्म को भरना है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, जरूर बताया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट है आप उन सभी छात्रों को यहाँ पे जो भी अपडेट दिए गए हैं ECIL के रिक्रूटमेंट को लेकर। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।